हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर। हम आपको नेक्स्ट के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 12 अप्रैल 2024 को कौन सा डाटा आ रहा है। और दोस्तों, 11th को जो पिछली वीडियो में मैंने आपको डाटा बताया था, उसका भी बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिला। 6 बजे जो है यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में बहुत बढ़िया हमें मूव देखने को मिला। उल्टी साइड ईओ और यूएसडी और साथ ही क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में हमें उस डाटा की वजह से मूव देखने को मिले। और साथ ही 8 बजे भी डाटा आया, उसका भी मूव देखने को मिला। तो आई होप आपने अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। और इसी तरह से अब हम नेक्स्ट डे के लिए भी बात कर लेते हैं कि कौन सा डाटा यहां पर आ रहा है। तो सबसे पहले जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो दोस्तों आ रहा है 8:30 AM पर, और वो आ रहा है चाइना का डाटा। और चाइना का यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा आ रहा है, ट्रेड बैलेंस का डाटा आ रहा है। और ट्रेड बैलेंस जो है वो पिछली बार यहाँ पर 125.16 बिलियन था, और इस बार ये 70.20 बिलियन रहने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है। और चाइना जो है वो नंबर वन इंपोर्टर है दुनिया का क्रूड ऑयल का और यूएस ऑयल का। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में यहाँ पर हमें मूव देखने को मिलेंगे। और जैसा कि यहाँ पे कम आ रहा है ट्रेड बैलेंस, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो 8:30 बजे 8:30 AM पर आप यूएस ऑयल पे नजर रखिए, क्योंकि क्रूड ऑयल तो उस टाइम अभी बंद ही होगा। क्रूड ऑयल जो है वो तो 9 बजे ओपन होता है। तो आप यहाँ पर यूएस ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए एक्सनेस का। और एक्सनेस के ऊपर अगर आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आई बटन में वीडियोस दी हुई हैं, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और सीधा एक्सनेस के वेब पेज पर आप पहुंच जाएंगे। और वहां पर आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, मनी कैसे ऐड करनी है, विड्रॉ कैसे करनी है, वो सारी सारी इन आई वीडियोस में जो वीडियोस हैं उसमें बता रखा है। और दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों एक्सनेस का प्लेटफॉर्म, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। बाकी प्लेटफॉर्म बैन भी हो चुके हैं, लेकिन एक्सनेस जो है वो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म अब तक का परफॉर्मेंस उसका रहा है। और इनका कस्टमर केयर सपोर्ट तो जबरदस्त है, 24 आवर आप लाइव चैट कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो आप सैटरडे संडे को भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और साथ ही जो विड्रॉल है विद इन 1 और 2 आवर में के अंदर अंदर आपको विड्रॉ आ जाता है। मैं पर्सनली इसका यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप यूज कीजिए एक्सनेस का प्लेटफॉर्म। और जो सेकंड डाटा यहां पर दोस्तों आ रहा है वो है 11:30 AM पर, और यहां पे जो डाटा पे जो आ रहा है वो है इंग्लैंड का डाटा, और इसका इंपैक्ट पड़ेगा जीबीपी यूएसडी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड का जीडीपी का डाटा आ रहा है और जीडीपी 0.2 से 0.1 रहने की उम्मीद है, यानी कि घट रही है। अगर ये फॉरकास्ट है, तो अगर फॉरकास्ट जो है वो अगर ऐसा आता है, तो उसकी वजह से जीबीपी यूएसडी में हमें यहाँ पे फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये 0.2 से ज्यादा आता है, तो उसके बाद जीबीपी यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे डाटा आ रहा है वो अगेन 8:11:30 AM पर ही आ रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा ईयूआर यूएसडी के ऊपर। और यहाँ पर जर्मन सीपीआई का डाटा आ रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है जर्मनी का। जर्मनी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उसका है, तो यहाँ पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो 0.4 ही पिछली बार था, इस बार भी 0.4 रहने की उम्मीद है। तो 11:30 बजे आप ईयू और यूएसडी पे भी नजर रखिए। हालांकि जीबीपी यूएसडी और ईयू और यूएसडी दोनों एक तरफ को ही मूव करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिस तरफ को जीबीपी यूएसडी जाता है उसी तरफ को ईयू और यूएसडी भी चलता है। तो आप दोनों के ऊपर नजर रखिए 11:30 पर, दोनों एक दूसरे पर इंपैक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। और दोस्तों चौथा जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 1:30 PM पर, और इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे हम आपको अपडेशन देते रहते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने जा रहा है। तो उसे जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। और यहां पर जो है ईआईए का ये डाटा आ रहा है, ईआईए का मंथली रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है। और ईआईए की जो मंथली रिपोर्ट होती है उसमें यह पता लगता है कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल जो है इसमें आगे क्या डिमांड रहने वाली है, उसका फॉरकास्ट दिया जाता है, सप्लाई कैसी रहने वाली है, तो उसका यहाँ पर सारा इस मंथली रिपोर्ट में होता है। तो 1:30 बजे आपको नेचुरल गैस में भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और ज्यादा इंपैक्ट जो है वो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है डाटा जो कि आ रहा है, और आई होप आपको ये वीडियोज पसंद आ रही है। अगर वीडियोज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।